हीरो से जीरो क्यों बने हमारे मिस्टर फैजू टिकटॉक के सुपरस्टार दोस्तों। 20 मिलियन प्लस फैंस और आज बन गए हीरो से जीरो। जी हाँ दोस्तों, ऐसा दावा किया जा रहा है सोशल मीडिया पे दोस्तों, ये कतई गलत है। और दोस्तों ये कतई गलत नहीं, पूरी तरह से झूठी नाकाबी हो रही है। क्योंकि दोस्तों ये समझ सकते हैं, मैटर एक छोटा सा है लेकिन यहाँ पर उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। क्यों दोस्तों, वो पहले से स्टार है और सुपर स्टार है, टिकटॉक के ऊपर स्टार, काफ़ी जाने माने फेमस स्टार है दोस्तों। अगर वो कोई अगर दूसरा उसका आईडी अगर बैन भी हो गया है तो फाइनली दोस्तों यहाँ पर मैटर की सबसे पहले बात करें दोस्तों। सबसे पहले मैटर यह हुआ था दोस्तों, कुछ दिन पहले हमारे टिकटॉक आईडी पे फैजू 07 के आईडी पे एक वीडियो अपलोड किया गया जो तबरेज अंसारी के मामले में था दोस्तों। यानी तबरेज अंसारी के ऊपर एक वीडियो बनाया जो कि तबरेज अंसारी की मौत हो चुकी है झारखंड के कुछ म्यूचुअल प्रॉब्लम की वजह से दोस्तों, उसकी मौत हो चुकी है। लेकिन उसके ऊपर एक वीडियो बनी थी जो कि टिकटॉक पर जैसे फेमस, जैसे वो वीडियो अपलोड हुआ फटाक से वो वीडियो पूरी तरह से वायरल होने लगा, फेमस यानी वीडियो पूरी तरह से छिड़ियाने लगा सोशल मीडिया पर, पूरी तरह से वायरल होने लगा, फैलने लगा। वायरल होने के बाद दोस्तों जब पब्लिक में ये वीडियो पहुंचा तो पब्लिक के ऊपर ये पसंद, पूरी पब्लिक इस वीडियो को ना पसंद करने लगे दोस्तों और पूरी तरह से इस वीडियो पे ना खुश रहने लगे दोस्तों। यानी पब्लिक को ये वीडियो कतई पसंद नहीं हुआ और ये वीडियो से पूरी तरह से ना खुश रहे। तो इस वीडियो को जब देखा गया पूरी सोशल मीडिया पर, धीरे धीरे सारे कंटेंट यानी जितने जितने आदमी पब्लिक इस वीडियो को पसंद यानी डिसलाइक कर रहे थे, जो नहीं देख रहे थे, उस वीडियो को ऊपर रिपोर्ट करने लगे और धीरे धीरे FIR होने लगा दोस्तों। FIR होने के बाद दोस्तों इसका क्या होगा, फाइनली टिकटॉक ने इसका आईडी को फाइनली बैन कर दिया। और दोस्तों बैन करने के बाद बात करें तो साथ में फैजू के साथ में जितने दोस्त थे सारे का इसका हुआ है। ऐसा नहीं कि मिस्टर फैजू के साथ हुआ है, मिस्टर फैजू के साथ में जितने दोस्त थे सारे का ऐसा ही हाल नौबत हो गया दोस्तों कि उसका आईडी को फाइनली बैन कर दिया गया, साथ में वीडियो को भी रिमूव कर दिया गया दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे मैटर कोई बड़ी नहीं है दोस्तों, मैटर आप समझ सकते हैं टिकटॉक कुछ दिन पहले बैन होते होते बच गया और जो कि बैन होने वाला था दोस्तों, बैन होते होते बचने का रीजन यही था दोस्तों, टिकटॉक पर कोई पॉलिसी वॉलिसी नहीं थी, कोई गाइडलाइन नहीं थी। लेकिन अब गाइडलाइन आ गई है दोस्तों, टिकटॉक पर अगर आप किसी तरह का आपत्तिजनक कंटेंट प्रोवाइड करते हैं यानी कि जो हमारे समाज के खिलाफ है, जो हमारे देश के खिलाफ है, इस टाइप का अगर वीडियो आप किसी तरह का अपलोड करते हैं टिकटॉक पर तो फाइनली आपका वीडियो को रिमूव करके साथ आपका आईडी भी बैन कर देगा। तो इसके शिकार हो गए हमारे मिस्टर फैजू भाई दोस्तों, जो कि अभी शिकार में झेल रहे हैं। लेकिन दोस्तों इस वक्त गलती ये छोटी सी गलती है दोस्तों, एक छोटी सी गलती, अगर आप मानते हैं अगर आप 20 मिलियन ज्यादा आपके पास 10 मिलियन 15 मिलियन 20 मिलियन फैंस हैं, आपके पास एक रिस्क कवर हो जाता दोस्तों। आप क्या अपलोड कर रहे हैं, अपलोड करने से पहले 10 बार उस वीडियो को देखिए, अगर आपके अंदर कुछ गलती के अंदर उस वीडियो के अंदर कुछ कमियां हैं उस कमी को काट छाट करके फिर से अपलोड कीजिए। लेकिन दोस्तों यहाँ मिस्टर फैजू के द्वारा एक छोटी सी त्रुटि होगी जो अभी आज भुगतान वो अपना अंजाम को भुगत रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो से हमारे बताने का मकसद यही था दोस्तों, अगर आप भी पॉपुलर क्रिएटर हैं तो फाइनली दोस्तों आप भी सोच समझ के वीडियो अपलोड कीजिए, पब्लिश कीजिए। जो गलती हो गया दोस्तों इसके लिए हम चाहते हैं कि भगवान करे उसकी आईडी जल्दी वापस हो जाए, भगवान करे उसकी आईडी अगर हाइड है तो फाइनली रिटर्न आ जाएगा, अगर वो थोड़ी सी क्षमा मांग लेते हैं, अगर कोई भी गलती हो स्वीकार कर लेते हैं। तो दोस्तों फाइनली दोस्तों ये घटना आप लोग के भी साथ बीत सकती है, मेरे साथ भी बीत सकती है, अगर आप इस तरफ प्रोवाइड कंटेंट को कुछ गलत कंटेंट प्रोवाइड करते हैं टिकटॉक पे। तो दोस्तों इसलिए बस समझ के सोच समझ के वीडियो अपलोड कीजिए और सावधानी से साफ सुथरी वीडियो अपलोड कीजिए ताकि आगे कोई गलत अंजाम आपके ऊपर ना उठाए कोई भी पब्लिक। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब साथ में बेल आइकन प्रेस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, सुबह सको। थैंक्स फॉर दिस वीडियो।